सुन्न हो जाता है। आप तक अगर कोई कुछ पूछेगा तो आप शायद जवाब भी नहीं दे पाओगे। हम लोग पार्सल करा सकते हैं? नहीं भैया, ये भेल पार्सल नहीं करते, ये भेल आपको यही खानी होगी, क्योंकि इसका 440 वोल्ट का झटका कब किसको लग जाए पता नहीं। एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म आपके हाथों में आ रहा है। मतलब अभी खाने के पहले? बिल्कुल भैया, पहले बात का क्या भरोसा। आपके आग जेब में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इस टाइप की कोई भी चीज़ है तो आपको घर तक छोड़ के आने में हमें सुविधा रहेगी। एक चीज़ और, अगर कमज़ोर दिल वाले हो आप, आई रिपीट, अगर आप कमज़ोर दिल वाले हो, आप तीखा नहीं खा सकते। मेरे आपके लिए बना रहे हैं आज 440 वोल्ट का एक खतरनाक झटका, आपके सारे व्यूवर्स देखकर मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी चीज़ बना रहा हूँ। ये आ गई हमारी कैडबरी, ये आ गई हमारी काजू कतली, ये आ गई हमारी रसमलाई, ये थोड़ी सी किसमी बार और ये थोड़ी सी किटकैट। ठीक है, एकदम मस्त मीठी मीठी बनाऊंगा भैया, जिसको भी खिलाओगे खुश हो जाएगा। एकदम बवाल चीज है, करंट लगता है इसको खाके। बिल्कुल भैया, दो मिनट के लिए दिमाग सुन्न हो जाता है। आपसे अगर कोई कुछ पूछेगा तो आप शायद जवाब भी नहीं दे पाओगे। बिल्कुल भैया, तो ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, बिल्कुल शेर दिल वालों के लिए ही है। जो मजबूत लोग हैं उन्हीं को खिलाते हैं, हर किसी को खिलाते भी नहीं है। ठीक है, और इसको खाने के पहले आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं अपनी इतना ज़्यादा तीखा मैं अपनी जवाबदारी पे खा रहा हूँ। और यकीन माने तो ये वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे स्पाइसीएस्ट भेल है। जी भैया, बिल्कुल फॉर्म भरना पड़ेगा, और अगर आपने पूरी खा ली और 15 मिनट तक सासू ई आ ऊ कुछ नहीं किया और कुछ भी दूसरी चीज़ नहीं खाई अभी, तो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आप मिर्ची महाराजा हैं, आपसे कोई नहीं जीत सकता। ठीक है भैया, तो ये हमारी कैडबरी और सब आ गई हमारे जादू के तपेले में। ठीक है, ये आ गए हमारे अफगान के प्याज। ठीक है, ये आ गए हमारे मंगल के टमाटर है भैया, इसी से मंगल पूरा लाल दिखता है। ये मंगल की घास है भैया, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लगती है, वहीं से लेकर आते हैं। ठीक है भैया, ये आ गई ग्लो बढ़ाने वाली कुकुम्बर। हाँ, ये भैया अपना प्राइवेट जेट है, लड़के खुद जाते हैं लेकर आते हैं रेगुलर भैया। बिल्कुल रेगुलर जाना होता है, सब फ्रेश आएगा। ये हिमाचल के लड्डू सीधा स्पेसशिप से तोड़ के लाते, सुबह जाते तो 12 मिनट लगते, शाम को आते 17 मिनट लगते, शाम को थोड़ा ट्रैफिक बढ़ जाता भैया। ठीक है, यह आ गया। अब इसके ऊपर आ गया अपना तालिबान का मसाला, पहले अफगान से लाते थे, अब तालिबान से लाते हैं। हाँ भैया, तालिबान जैसे चटक है क्या पूरा? हाँ भैया, बिल्कुल खतरनाक मेका। और ये हमारा इटली का मसाला भैया, भैया राहुल भैया मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, वो लेकर आते हैं भैया, जब भी इटली जाते लेकर आते हैं। हाँ भैया, मतलब वो ले आते हैं, नहीं तो कोई भी जाता है तो ले आता है, बाकी जनरली राहुल भैया से अपने बहुत अच्छे संबंध है। हाँ, बहुत बढ़िया व्यक्ति है भैया, बहुत साधारण सिंपल, बहुत अच्छे प्यारे इंसान है। ये भेल हम लोग पार्सल करा सकते हैं? नहीं भैया, ये भेल पार्सल नहीं करते, ये भेल आपको यही खानी होगी, क्योंकि इसका 440 वोल्ट का झटका कब किसको लग जाए पता नहीं, तो इसीलिए पहले फॉर्म भरवा लेते हैं और जो फॉर्म भरता है उसी को खिलाते हैं। और सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो शेयरिंग नहीं करना है भाई, पूरी भेल अकेले को खानी है। ठीक है, क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी होती है पर बहुत स्वाद और मज़ेदार होती है। आ गया जापान का लच्छा। जापान का लच्छा डल गया भाई। जी भैया, ये आ गए कलकत्ता के काजू। कलकत्ता के काजू भी आ गए। जी भैया, ये आ गई चाट पपड़ी भैया। चाट पपड़ी भी भाई। जी भैया, ये आ गई हल्की सी इंदौरी केसर। ये इंदौरी केसर है। जी भैया, और ये कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के अपने किंग जोंग वाले चपटे चने, इसी से तेज़ दिमाग चलता भैया उसका। अभी देखना आपका दिमाग भी तेज़ी से घूमेगा बिल्कुल, अरे 360 डिग्री घूम जाएगा पूरा। देखो आप कितनी खूबसूरत लग रही भेल बनते हुए, एकदम मस्त चकाचक। ठीक है, नहीं नहीं अभी सबसे खास चीज़ अब आएगी भैया। अरे भैया 440 वोल्ट है वो, मिल गई। ये है भैया 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, जैसे MPV का होता है कि नहीं, विद्युत मंडल का, वैसा ही है भैया। ये इस भेल का, ये आई भैया, ये अफ्रीका की जो वो होती है बुलेट मक्खियाँ, मक्खियाँ कौन सी, हनी बी, ठीक है, मधुमक्खियाँ, उनकी शहद है भैया ये ओरिजिनल वाली। जी भैया, बहुत मीठी लगेगी भाई, इसमें शहद भी पड़ रही है। और आपको बता दूँ, ये टॉप सीक्रेट है, ये भूत झुलकिया मिर्च का पेस्ट है भैया, इंडिया की सबसे तीखी मिर्च होती है, भयंकर वाली। जी भैया, और सबसे ज़्यादा तीखी, इंडिया की सबसे हाईएस्ट तीखी मिर्च वही है, जो कि नॉर्मल मिर्च से करीब करीब 20 गुना ज़्यादा तीखी होती है। जी भैया, और अभी उसका आपको सिर्फ मतलब एक अर्क सा खिलाया है, अर्क सा डाला है इसमें, बिल्कुल हल्का हल्का सा, कहर होगी मतलब, बिल्कुल भैया कहर डाल देगी ये अपनी इंदौरी केसर। और इसके साथ आपको एक फायर ब्रिगेड भी देंगे, एक लस्सी, वो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इतनी वैक्सीन, ठीक है, ये आपकी भेल को सुरक्षित रखेगी। नहीं भैया रुको, ये देखो ये आ गया हीमोग्लोबिन, और इसको उठाने के पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म आपके हाथों में आ रहा है। मतलब अभी खाने के पहले।